मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लव स्टोरी राजस्थान टू पाकिस्तान की अहम किरदार अंजू का अब भारत लौटना मुश्किल नजर आ रहा है। खुद उसने ही वापसी को लेकर आशंकाएं जाहिर कर दी हैं। खबरें हैं कि उन्होंने कथित तौर पर प्रेमी नसरुल्ला से शादी भी कर ली है, लेकिन इधर भिवाड़ी में उनके पति और पिता ने भी अंजू को स्वीकार करने से मना कर दिया है और साफ बोल दिया है कि ऐसी लड़की की हमें जरूरत नहीं। दरअसल हाल ही में अंजू का एक वीडियो सामने आया था जहां वो बुर्के में नजर आ रही थी। वो नसरुल्ला के साथ डिनर की टेबल पर बैठी हुई थी और डिनर कर रही थी, लेकिन अब अंजू को भारत वापसी पर मिलने वाले रिएक्शन का डर सता रहा है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में किसी भी परेशानी से इनकार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंजू का कहना है कि उन्हें भारत लौटने के लायक ही नहीं छोड़ा गया। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि वतन वापसी पर अगर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया तो वो कहां जाएगी। उसने ये तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में पूरी आजादी और सुरक्षा के साथ रह रही है। खबरें तो ये भी है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने के बाद अंजू ने इस्लाम अपना लिया है। धर्मांतरण के बाद वो फातिमा बन गई है और नसरुल्ला के साथ जिला कोर्ट में उसने शादी कर ली है। लेकिन इधर भारत में उसके पति अरविंद सवाल उठा रहे हैं कि बगैर तलाक लिए अंजू दूसरी शादी कैसे कर सकती है। अरविंद ने कहा कि अंजू ने कहा कि उसने दिल्ली में 3 साल पहले ही तलाक के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं, लेकिन अब तक मुझे कोर्ट से कोई भी नोटिस या समन नहीं मिला। और जब अरविंद से ये सवाल पूछा गया कि अगर वो भारत आती हैं तो आप उसे स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे बच्चे भी नहीं मानेंगे तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। नहीं हुई है मेरी, उस दिन हुई है जिस दिन निकाह कर ली, तो उस दिन डॉक्यूमेंट्स की बात हुई, कह रही तलाक के पेपर बनवा लो। तो वहाँ उन्होंने दावा किया कि वो तलाक पहले ही यहाँ लगा चुकी हैं, क्या ऐसी कोई जानकारी थी? मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई आदेश भी नहीं आया, ना मैं कोर्ट गया हूँ, नहीं कोई ताबील भी नहीं आया। आया भी होगा तो क्या पता इन्होंने छुपाया भी होगा। मेरी सरकार से दरख्वास्त है पासपोर्ट वीज़ा इसका रद्द कर दिया जाए, और जो वीज़ा बना हुआ है किसके थ्रू बना हुआ है, किसने बनवाया है, मेरी तो वेरीफाई से हुआ नहीं है, ये सारी छानबीन होनी चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स लगा है, किसके साइन है, ये सारी होनी चाहिए। बच्चे तो तोड़ दिया, बच्चों का दिल तोड़ दिया उसने, जाके ही पहले ही तोड़ दिया उसने, अब बच्चों का प्यार नहीं रहा। क्या कह रहे हैं बच्चे अब? मेरी बड़ी लड़की कह रही पापा अब उनको बोल दो अगर वो आएगी भी तो ना केवल यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वहीं अंजू के पिता से भी इसी तरह के सवाल पूछे गए तो उन्होंने किस तरह से रोते रोते अपनी बेटी को लेकर बड़ी बात कह दी, आप खुद ही सुनिए। बनाने में परेशान, मैं उठने बैठने के लिए परेशान, हर एक चीज के लिए परेशान हो रहा हूँ मैं, किस तरीके से मेरा जिंदगी चल रहा है। मैं सरकार से क्या कहूँ, मैं सरकार से, मेरे को सरकार ने जो कुछ, मैं इस दुनिया में रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, मैं बड़े खुशी से रह रहा था। ये जो हाल माहौल पैदा किया मेरे बच्चे ने, मैं कहता हूँ ऐसे बच्चे को इस दुनिया में हमारे भारत में आने का कोई हक नहीं है। ऐसे अगर आता भी है तो उसको उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसको कोई भी हो इस मामले में। अनोतराज काम जो किया है वो अच्छा नहीं किया लड़की ने। वो लड़की अगर सुन रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़े से पानी में डूब के मर जाए। मुझे अभी आप जो बता रहे थे उसने कदम उठाया है, अब वो उस आजादी से नहीं जी पाएगी। मुझे पता नहीं है उनकी आजादी क्या है, वो जाने, मेरे को मालूम नहीं है उनकी स्थिति में क्या है, पर जो भी किया है वो एकदम मतलब गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को सजा दी जाए, भारतवर्ष के संविधान में ये चीज भी होना चाहिए कि जो इस तरीके का जो कदम उठाता है उनको फ्री लव नहीं होना चाहिए हमारे भारत देश में। हमारा भारत देश ऋषियों का देश है, हमारा भारत देश बहुत पूजनीय देश है, हमारा भारत इतने सम्मानित देश है कि हमारे भारत वाले लोग पत्रों को भी आदर करते हैं, उनको भी भगवान मानते हैं, उनके सामने भी साष्टांग प्रणाम करते हैं, इतना आदर योग हमारा भारत देश है। और ऐसे सबूत, ऐसी लड़कियां, मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी लड़कियों को जिंदगी जीने का हक हो। नो, ऐसी लड़कियों को कोई जीवन जीने का हक नहीं है, इनको तुरंत डंट स्पॉट किया जाए इनको। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने भारत का नागरिक होने के कारण से बोल रहा हूं। मैं मुझे इस मामले में क्रोध आ रहा है कि कोई कल तक ये बच्ची मेरी थी, अब मेरी बच्ची नहीं है, हमारे देश का सवाल है ये, कि मेरे देश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं एक बदनसीब बाप हूं, मैं
मेरे साथ जो हुआ है वो लड़की ने किया है, वो लड़की को इस दुनिया में जीने के लिए इस भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं, उसको अपने बच्चों को लेने के लिए उसको कोई हक नहीं है, उसको बच्चों को छूने भी मत देना। मैं यही भारत सरकार से मैं माफ चाहता हूँ, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ कि उसके जो दो बच्चे उसको छूने भी नहीं दिए जाए। हमारे जो बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उसको पाल लेंगे, हम एक रोटी में हम आधी रोटी से भी आधी खा लेंगे, पर उन दोनों बच्चों की परवरिश हम करना चाहते हैं। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, वो लड़की को कोई जीने का हक नहीं है उसको, और वो वापस भी नहीं आए इधर। अच्छा है, फिलहाल जो अंजू 27 तारीख तक वतन वापसी के दावे कर रही थी उसका अभी तक वापस लौटने का कोई प्लान नहीं, और इधर परिवार ने भी ये कह दिया कि हम उसे बिल्कुल भी अपनाएंगे नहीं। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।